वेलकम बैक आज आप जिस शख्सियत से मिलने वाले हैं वे टेलीविजन के जानी मानी हस्तियों में से एक हैं। राजीव खंडेलवाल ने टेलीविजन पे नाम शोहरत और इज्जत कमाई और अब फिल्मों की ओर अपनी निगाहें फेरी है उनकी पहली फिल्म का नाम है आमिर यह फिल्म तैयार हो चुकी है और 6 जून को रिलीज होने वाली है क्या राजीव खंडेलवाल फिल्म इंडस्ट्री में भी तहलका मचाएंगे चलिए उन्हीं से पूछते हैं बहुत बहुत अच्छा लगा बीबीएस में आप आए

सवाल में पहली बात ने मुझे इमोशनल कर so तैयार uh, so हो चुकी है कुछ दिनों बाद रिलीज होने वाली है मैं आपसे पूछना चाहूंगा हाउ इज द फिल्म लुकिंग आपकी उम्मीदों पर आपने जो सोचा था उस पर खरी उतरी है uh, सच पूछे तो ऐसा नहीं लगता है। ऐसा हमेशा लगता है, लगता है कि यार, हम और बेटर कर सकते थे Uh, जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी जब स्क्रिप्ट देखी हम लोगों ने तब हमें लगा था कि क्या हम इसको एक्चुअली ट्रांसलेट कर पाएंगे एक फिल्म में डाउट से शुरू में फिल्म देखने के बाद लगता है कि हम काफी करीब हैं अपनी जो हमारी मंजिल थी उसकी काफी करीब है ऑब्वियसली कभी भी सैटिस्फेक्शन पूरी होती नहीं है कि यार बिल्कुल परफेक्ट फिल्म बनाई है बट काफी करीब है हम अपनी मंजिल के अच्छी लग रही है फिल्म देखा मैं नर्वस था स्टार्टिंग से ऑब्वियसली सबसे बड़ा एक स्टेप था टेलीविजन से फिल्म की तरफ बढ़ने का और बहुत सारे डाउट्स होते हैं मन में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं शूटिंग के टाइम पे भी थोड़ी बहुत नर्वसनेस थी कभी कभी सोच कर कि यार ऐसी कि फिल्म डिफरेंट है मेरा डेब्यू ऐसा है ऑफ कोर्स एक यूनानिमस uh, वो था फीलिंग uh, थी कि हमें अच्छी फिल्म बनानी है डबिंग तक भी मेरे मुझे एक नर्वसनेस थी यार अच्छा लग रहा हूँ परफॉर्मेंस ठीक ठाक है पता नहीं फिल्म जब हमने फाइनल प्रिंट देखा तब लगा कि अब डरने की कोई बात नहीं है अब जो होगा वो होगा राइट okay, right.

डॉक्टरी करता है लंडन में वापस आता है अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आता है लेकिन उसे नहीं मालूम है कि बॉम्बे में क्या उसका इंतजार कर रहा है जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड करता है वहां से तो उसकी जिंदगी एक थ्री सिक्सटी डिग्री टर्न लेती है और वो भी ऐसी तर, ऐसा टर्न जो उसने कभी सब, सपने सब, सब, भी नहीं सोचा होगा एंड uh, एक ट्रैप है जिसके अंदर वो घुसता जाता है बेसिकली साइकोलॉजिकल थ्रिलर है किस तरह से एक आम इंसान को uh, एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लड़के को एक बहुत बड़ी कॉन्स्परेसी में खींचा जाता है कैसे वो लड़ता है उसकी जर्नी और अंत में उसके साथ क्या होता है ये कहानी है आमिर की एक पानी मिले। नहीं मिलेगा ये क्या मजाक है हेलो हेलो लेकिन ये एक नॉर्मल थ्रिलर नहीं है जिसके अंदर सिर्फ आपने देखा और भूल जाए ये कुछ देर तक आपके दिमाग में लिंगर uh, ऑन करेगी क्योंकि uh, एक मैसेज भी जाता है एक थॉट प्रोवोकिंग मैसेज जाता है जो कि सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में चलता है सही कहा आपने एक्चुअली आपके फिल्म के क्लाइमैक्स खैर वो कहना नहीं चाहिए मुझे बट uh, वो जो क्लाइमैक्स है uh, मेरी डिस्क्लोज़ नहीं करूंगा बट uh, दिल पे मतलब uh, सर पे तो एक हथौड़े की तरह वार करता है एंड समथिंग दैट यू कैरी विथ यू आफ्टर द एंडेड जरूरी yeah, है आई थिंक uh, uh, वो लिखा भी बहुत खूबसूरती से गया है इट इज नॉट जस्ट अबाउट परफॉर्मेंस आई थिंक फिल्म की टोटेलिटी जो फिल्म का हीरो एक्चुअली अगर कहा जाए तो स्क्रीन प्ले है स्क्रिप्ट है right. और जिस तरह से कहानी आगे जाती है पीछे आती है आगे पीछे होती है Uh, एक मिनट भी नहीं आप जा सकते हैं छोड़कर उसे क्योंकि आपको लगता है कि अभी कुछ मिस कर दूंगा मैं तो आई थिंक ओवरऑल बहुत खूबसूरती से पूरा फिल्म पूरी फिल्म डिजाइन की गई है right. That is why it looks Very true. और फिल्म के आखिरी दस पंद्रह मिनटों में एक्चुअली कोई डायलॉग बाजी नहीं है सिर्फ uh, इनके चेहरे इनकी आंखों के जरिए इन्हें बहुत कुछ कहना है और बहुत कुछ कह जाते हैं एनी वे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जब एक uh, एक नामी टेलीविजन एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करता है तो अक्सर देखा गया ही टू प्ले सेफ वो या 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 तो प्रेम कहानी करते हैं, या मसाला फिल्में करते हैं हैं मसाला फिल्में ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं और काम करते भी हैं uh, जो uh, काफी सक्सेसफुल रहे हैं आपकी फिल्म आमिर ना तो एक प्रेम कहानी है ना एक टिपिकल मसाला फिल्म है आपके डायरेक्टर ना कोई नामी शख्सियत है उनकी पहली फिल्म ये है राइट मैंने सुना है बहुत डिफिकल्ट आदमी है ऐसे <laughs> में आपने इस फिल्म में क्या देखा इस डायरेक्टर में क्या देखा कि आपने तुरंत कह दी सबसे पहले तो आई मैं जनरली लाइफ में बहुत कैलकुलेट नहीं करता हूं। नहीं। मैं बहुत कैलकुलेटिव स्टेप्स नहीं लेता हूँ दूसरा ये किया मैं इंस्टिंग्स पे बहुत भरोसा रखता हूँ जो दिल में आता है मैं वो करता हूँ तीसरी चीज मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि एक सेफ स्टेप कौन सा होता है अगर मैं बोलूँ कि एक सेफ स्टेप होता है एक सेफ इंडस्ट्री आई थिंक हर आदमी वो करता है हर मैं ये नहीं कहूंगा गलत स्टेप लेते हैं हर शख्स हर एक्टर वो है करता है जो उसे लगता है उसके लिए बेस्ट है मैंने भी लव स्टोरीज पढ़ी मैंने भी अच्छे डायरेक्टर्स के प्रपोजल्स थे जो मैंने पढ़े बहुत ऑफर आए होंगे जी हाँ ऑफर्स आ रहे थे आजकल इतनी फिल्म बनती हैं कि हर कोई हर किसी के पास बहुत ऑफर्स हैं मेरे पास भी कुछ ऑफर्स थे मैं जब आ, स्क्रिप्ट पढ़ता था तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये फिल्म मुझे करनी ही करनी है कभी अच्छे लोग होते थे तो स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होती थी जब स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग होती थी तो पैशन उतना नहीं होता था लोगों में समाओ कभी राइट मिक्स नहीं आया और मैं कभी जल्दी में नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है मुझे फिल्म स्टार बनना है ये जो मेरा ट्रांजिशन है टेलीविजन से फिल्म की तरफ ये भी एक ग्रोथ है बेसिकली ये भी ये नहीं है कि मुझे टेलीविजन एक्टर नहीं बनना मुझे फिल्म एक्टर बनना है ग्रोथ है ग्रो मैं, मैं करना चाहता हूँ लाइफ में मैं जब पीछे मुड़कर आगे जाकर देखूं तो आई वॉन्ट टू फील कंटेंटेड कि मैंने अच्छा काम किया तो एक बेसिकली ट्रांजिशन है मेरा भी फ्रॉम टेलीविजन टू ये स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ी तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं मैं सच में सोया नहीं मैं सोचता रहा कि अब मुझे ये फिल्म का हिस्सा इन्होंने तो मुझे स्क्रिप्ट भेज दी है एवरीबडी वॉन्ट्स मी आई मीन दो स्क्रिप्ट लेकिन मैं ऐसा क्या, क्या करूं कि ये अपना विचार ना बदले मेरे को लेकर तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि अनुराग कश्यप इन्वाल्व है तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है uh, मुझे मुझे अनुराग कश्यप तो ले uh, लेना कि हमेशा की नहीं यार मेरा काम देख लीजिए यहाँ मुझे था कि आप प्लीज अपने दिमाग में चेंज करना स्क्रिप्ट ऐसी थी जिसके लिए मुझे बताया गया था बहुत सारे एक्टर्स अग्री नहीं कर रहे हैं मतलब समझ लीजिए पांच में से तीन एक्टर्स बोल रहे नहीं यार कुछ डाउटफुल सा है मामला

मैं आगे बढ़कर मुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने आमिर क्यों चुनी हमेशा मुझे फक्र होगा कि मैंने आमिर पिकअप की थी यू हैप्पी मैं आपको ऑनेस्टली बोलूंगा तो मुझे एक बार और सीन को रिशूट कर लेते <laughs> तो शायद बेटर कर देता